सूत्र में आप बनते हैं, गुण आधार बना लिया आप, 37 में से 20 मिल गया, 18 मिल गए, 22 मिल गए, मिनिमम 18 होता है, उसके बाद आपने विवाह के लिए हां कर दिया, कदम बढ़ा दिए, लेकिन ग्रह आपने कभी मिलाया ही नहीं, ग्रहों के साथ साथ दशाएं नहीं मिलाई, दशाओं के साथ साथ बाकी कुछ सूक्ष्म चीजें आपने नहीं मिलाई, वजह यही बन जाता है कि किसी के अंदर सहनशीलता और धैर्यशीलता की कमी रह जाती है और वही एक कमी छोटी सी कब विकराल रूप लेकर के आप सबको अलगाव की दहलीज पर ला करके खड़ा कर देती है। कहां अंदाजा लगता है, जब अलग हो जाते हैं तो सालता है, फिर काटता है, फिर चुभता है, दुख होता है, दुखता है। अब आज इन्हीं सारी चीजों पर हम एक एक करके विश्लेषण करेंगे कि आखिर क्यों परिवार का हस्तक्षेप, बाहरी लोगों का हस्तक्षेप या आपका इग्नोरेंस, क्या ऐसे कारण बनते हैं जिसकी वजह से आज आप तलाक की मोड़ पर बिल्कुल खड़े हो चुके हैं और ऐसे मोड़ पर फिर अचानक से आपकी मुलाकात होती है कल आज और कल के इस कार्यक्रम से। आज जब मुलाकात हो ही गई है तो आज हम आपको कुछ उपाय भी बताएंगे जिसके आधार पर ये अंदाजा लगाना बहुत आसान रहेगा कि दाम्पत्य जीवन को क्या फिर से हम नए सिरे से शुरुआत कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। किचन पिटारा आज हम आपको बताने वाले हैं। जल्दीबाजी का काम शैतान का होता है। शैतान कोई व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है, यह गुण विशेष या दुर्गुण विशेष कह लीजिए उसका नाम है। तो जल्दीबाजी से अगर आप परेशान हैं, उस आदत को छोड़ना चाहते हैं तो आज के किचन पिटारे का इंतजार करिएगा। जल्दीबाजी से बचेंगे, इत्मीनान से काम करेंगे, सफलता प्राप्त करेंगे। जी हाँ, और काम अपनी रफ्तार से बनता चला जाए और काम में किसी भी तरह की कोई रुकावट ना आए, सफलता आप निश्चित तौर पर पा जाएं, इसके लिए लकी अक्षर आपका लकी चार्म, लकी साथी भी आपका साथ निभाएगा। राशि के अनुसार लकी अक्षर भी बस हम आपको आगे देने ही वाले हैं, लेकिन उससे पहले बात करेंगे कल के दिन के रक्षा कवच के बारे में। कल के दिन आप बिल्कुल सुरक्षित रहें, 24 घंटे का लीजिए ये खास कवच यानी कि रक्षा कवच। दाहिने बाजू में चंदन स्पर्श करके और फिर आप घर से प्रस्थान करें, कल का एक खास रक्षा कवच है। दाहिने बाजू में यहां पर चंदन से थोड़ा सा स्पर्श कर लीजिए, फिर घर से निकल जाइए, सुरक्षित रहेंगे, सही सलामत वापसी करेंगे। जी हाँ, और कल के दिन किसी भी तरह के इम्तिहान, प्रतियोगिता, साक्षात्कार, वैसे तो संडे है और वैसे प्रतियोगिताएं तो होती रहती हैं, एग्जाम ज्यादातर संडे को ही होते हैं, और ऐसे में संडे के दिन किसी भी तरह के काम में सफलता पाने के लिए आप अपना के चलें मिशन सक्सेस। अरहर की 3 दाल अपने मुख में डालें और 7 बार ओम का जाप करते हुए फिर आप घर से निकलें। अरहर की 3 दाल मुख में डालकर 7 बार ओम का जाप करते हुए घर से निकले। आगे बताएंगे कि क्या कारण है पारिवारिक जिससे दाम्पत्य जीवन टूटता है। जी हाँ, और पवित्र स्नान भी कल के दिन आप कैसे करें, और सिंहस्थ कुंभ का जो ये पवित्र स्नान हर दिन तन मन शुद्धि के लिए करवाया जा रहा है उसका प्रयोग हम आपको बस आगे बताने वाले हैं। लेकिन दिल्ली से महेंद्र जुड़े हैं, स्वागत है महेंद्र जी आपका शो में, बताएं अपने बारे में और पूछिए अपना सवाल आप। पंडित जी नमस्ते। जी श्री राधे। पंचम जी नमस्ते। नमस्कार। मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहता हूँ। जी बताएं उनकी जन्म की तारीख। 7 मई जी 2002 जी, और समय 3:15 मॉर्निंग है, और प्लेस दिल्ली। क्या सवाल है आपका? ये बच्चा एक तो बीमार ज्यादा रहता, सुस्त है, पढ़ाई में ठीक ठाक नहीं है, थोड़ा सा इसको क्या लाइन में क्या पढ़ाई कराएं इसको। जी देखिए, कुंडली आपके बच्चे की मीन लग्न की है और इनकी कुंडली में 5 ग्रह तृतीय भाव में बैठे हैं, तो थोड़ा सा कष्टदायक जन्मांक भैया, थोड़ा बहुत आयु संकट भी हमें दिख रहा है, और नवमांश कुंडली इनकी कुंभ लग्न की है, कुंभ माफ कीजिएगा नवमांश इनकी सिंह लग्न की है, नवमांश से भी इनको बल नहीं मिल रहा, न नवमांश में केंद्र में कोई ग्रह है और न लग्नांक में कोई केंद्र में ग्रह है, आयु संकट बहुत प्रबल है। मृत संजीवनी अनुष्ठान जितनी जल्दी हो सके आप एक बार मिल लीजिए, दिल्ली में ही अगर आप रहते हैं, यह बेहद अनिवार्य है, वर्तमान गोचर इनके लिए फेवर नहीं कर रहा है, जल्दी मिलें आवश्यक है, जब तक नहीं मिलते हैं तब तक आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप बच्चे के सिरहाने बैठकर करें जब भी बच्चा सोता रहे। मांस भक्षण परिवार में बिल्कुल नहीं होना चाहिए, एक गौदान का संकल्प गंगा जल हाथ में लेकर के कर लीजिएगा, उससे भी इसके पूर्व जन्म के प्रारब्ध के पाप कटेंगे, दीर्घायु की प्राप्ति होगी। जी हाँ,
और चलिए अब अपने विषय पर भी आ जाते हैं। शादी जिसको लेकर कहा जाता है कि सात जन्मों का साथ होता है, लेकिन क्या वजह है कि इसी जन्म में आपका ये साथ जो है टूटने की कगार पर आ रहा है, तलाक लेने की नौबत आ रही है। और अगर हम बात करें पारिवारिक परिवार को लेकर के आचार्य जी, तो परिवार से ऐसे क्या योग बन जाते हैं, क्या कारण बन जाते हैं कि आपसी मतभेद इतने उत्पन्न हो जाते हैं कि तलाक तक लेना पड़ जाता है? बिल्कुल, देखिए पारिवारिक कारण बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। अब इसकी सूक्ष्मता पर अगर आप आएंगे तो परिवार में आपके जितने भी लोग रहते हैं, लड़के की बात करें तो भाई बहन माता पिता आदि, लड़की की बात करें अर्थात जो बहू बनकर आई है तो सास ससुर देवर ननद जेठ जेठान आदि। अब ऐसे सभी लोगों का कोई न कोई कारक ग्रह होता है। जैसे हम बहू की ही बात करेंगे, जो बहू नए घर में प्रवेश की है, बहू के रूप में आई है, पत्नी बनी है, किसी की भाभी बनी है, उसकी कुंडली का दशम भाव, उसकी कुंडली का दशम भाव सासू मां का भाव होता है। अब अगर उसकी कुंडली के दशम भाव में राहु या मंगल बैठ जाए या कोई भी अशुभ ग्रह बैठ जाए तो सासू मां से खटपट 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 चलती रहे। अब ज्यादा कष्टदायक स्थिति है तो चाह करके भी आप कहीं अन्यत्र घर नहीं ले सकती, भाई उसका एक यही इलाज है कि आप वहां से हट जाए, लेकिन नहीं ले सकती, स्थिति आपकी बुरी हो सकती है। पिता की बहन का हस्तक्षेप अर्थात बुआ का हस्तक्षेप, बुआ सास का हस्तक्षेप बहुत अशुभ होता है। राहु को पूरी तरह से आपके दाम्पत्य जीवन में जबरदस्ती घुसा देता है। राहु अगर घुस गया तो दाम्पत्य जीवन का नाश होना तय है। नंबर दो, हर मंगलवार अगर परिवार में किसी प्रकार की अनहोनी होने लग जाए तो समझ जाइएगा कि दाम्पत्य जीवन के लिए यह संकेत पॉजिटिव नहीं है। यह संकेत इशारा करता है कि दाम्पत्य जीवन में कुछ भूकंप आ सकता है। यदि आपके घर का दरवाजा पश्चिम दिशा में खुलता हो, जितने लोगों का तलाक हुआ हो, हमारे कार्यक्रम से समय अगर आप जुड़े हैं, आप याद करिए कि जब ब्याह के गई थी या ब्याह के आए थे आप, तो वो घर पश्चिम मुखी था या नहीं? अगर रहा है तो खतरा प्रबल है। यदि आप ना चाह करके भी पश्चिम में सिरहाना करते हो, यह भी बहुत खतरनाक स्थिति होती है। ऐसी स्थिति में भी संकेत मिलता है कि शनि आपके दाम्पत्य जीवन को नेस्तनाबूद कर सकता है, मामला गड़बड़ है। हर शनिवार थोड़ा बहुत रुक रुक करके किसी ना किसी रिश्तेदार से बहस होती हो तो यह भी शुभ संकेत नहीं है। कुंडली की बात करें तो सातवें में राहु, द्वितीयेश सातवें में आ जाए, शनि की दशा हो और शनि अष्टम भाव में बैठा हो, ये सारी स्थितियां अगर आपके जन्मांक में या ये सारे संकेत अगर आपके जीवन में चल रहे हैं तो आगे हम एक महा उपाय बताने वाले हैं, दाम्पत्य जीवन को बचाना है, लाभ को पाना है। बिल्कुल, और उससे पहले हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र से, हमारे साथ संगीता जुड़ी हैं। जी संगीता जी, स्वागत है आपका शो में, बताएं अपने बारे में और पूछिए अपना सवाल आप। नमस्ते कंचन जी। नमस्कार संगीता जी। राधे राधे गुरु जी। जय श्री राधे। मेरे बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ। जी बताएं, जन्म की तारीख? 2 अगस्त 1999। जी समय? सुबह के 3:45 AM। और प्लेस? प्लेस बुलढाणा। बुलढाणा जी। हाँ। बताएं क्या सवाल है आपका। पहले तो राधे जी, आचार्य जी। हाँ। मैं आपका सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे से देखते हैं, बहुत फॉलो करते हैं, धन्यवाद। वो मेरा बेटा IIT क्षेत्र में जाना चाहता है, तो जाएगा, अब 12वीं है। जी जी जी। देखिए मिथुन लग्न है आपके बच्चे का और मीन राशि, दोनों स्थितियां बड़ी प्यारी हैं। यह इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर लेगा, बहुत आगे बढ़ेगा। सरकारी नौकरी के संकेत नहीं दिख रहे हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में बहुत टॉप लेवल तक जाएगा। IIT करने के बाद बच्चा आपका MBA भी करेगा। थोड़ा सा इसके स्वभाव और चरित्र पर भी ध्यान दीजिएगा। सूर्य राहु एक साथ द्वितीय भाव में है, ये द्वितीय भाव में एक भी पूर्व ग्रह का रहना तलाक की तरफ इशारा करता है। तो आज अभी जो उपाय हम बताने वाले हैं इसको लिख लीजिएगा, भले ही आपके बच्चे की शादी अभी 5 वर्ष 10 वर्ष बाद हो, लेकिन उपाय रहेगा तो कभी न कभी काम आएगा ही। यह आयुर्वेदिक दवा है, सदैव आपके लिए शुभ फलदायक ही रहेगा। और चलिए अब हम एक मेल पर भी बात करेंगे, और जिनकी मेल आई है आप हमें मेल क्या कीजिए, मेल आईडी हमारी फ्लैश हो रही है कल atm@liveindia.tv। और जिनकी मेल आई है उनका नाम है कल्पना तिवारी जी, 17/11/77।
और कटिहार बिहार वर्कप्लेस समय है 3 PM जी। अच्छा, इनका सवाल है कि शादी को 16 साल हो गए हैं पर संतान सुख नहीं मिला है और डॉक्टर से भी जांच करवाई गई है, रिपोर्ट सही आती हैं लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं होने के बावजूद भी संतान में सुख नहीं है। इनका नाम है कल्पना तिवारी। जी जी, कल्पना जी, देखिए कुंडली आपकी जो है मीन लग्न की है और कार्तिक मास शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि श्रवण नक्षत्र है। श्रवण नक्षत्र जो होता है यह चंद्रमा का नक्षत्र है। बृहस्पति की महादशा चल रही है 28 जनवरी 2018 तक। मंगल आपकी कुंडली में पंचमस्थ है नीच का। संतान सुख प्राप्ति निश्चित है, कन्या रत्न पहली और एक ही बच्ची है। कुंडली में कोई दोष नहीं है, इसमें दो राय नहीं कि मेडिकली आप पूरी तरह फिट हैं आप। एक श्राप लगा है, भातृ श्राप, भाई का श्राप, ये प्रारब्ध के आधार पर पिछले 2 जन्म से आपका पीछा कर रहा है, जो संकेत आपकी कुंडली से मिल रहा है। मंगल आपके 5वें घर में नीच का बैठा है। एक बार जन्मांक का अपने पति का भी आप जरूर विश्लेषण करवा लीजिएगा। आपके लिए फिलहाल मंगलवार का व्रत, पूर्णिमा का व्रत, 2 व्रत बता रहे हैं और एक बैल का दान करवा दीजिए किसी भी जगह पर। बस 2 वृषभ दान गरुड़ पुराण में आया है, जन्म जन्मांतर के पापों का क्षय करता है, तो वृषभ दान अर्थात बैल का दान करवाइएगा, अपने हाथों से करिएगा और पूर्णिमा का व्रत, मंगलवार का व्रत, लाभ दिखेगा। बिल्कुल, फिलहाल वक्त हो गया है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का और आज दोपहर 2:30 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आने वाले हैं देखिए इसकी एक झलक। हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। कानको अरिगातो। नई बोली सीखकर नई तकदीर बनाने चले हैं। खुशियों का तरह वदशिका नई शिमशो खूबियों में एक और खूबी बढ़ाने चले हैं। सोने जैसा परख कर मिट्टी का मोल बढ़ाने चले हैं। खूबियों में एक और खूबी बढ़ाने चले हैं। नई मंजिलों को छूने जेब में दुकान लिए चले हैं। खूबियों में कर खूबी बढ़ाने चले हैं। अब सेल्फ स्टार्ट के साथ नई सीडी डिलक्स, खूबियों में एक और खूबी। परेशानियों से भरे न जाने कितने दिनों, महीने और सालों का इंतजार जब खत्म हो जाए सिर्फ एक फोन घुमाने से, तो फिर आप उसे क्या कहेंगे? लाइव इंडिया हेल्पलाइन, सिर्फ लाइव इंडिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात हो रही है पति पत्नी के जीवन के बारे में और उनके जीवन में आ रहे छोटे मोटे टकराव और उसके बाद वही टकराव जो है कहीं ना कहीं जाकर के तलाक का भयानक रूप ले रही है। तो ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो, इसको बचा लिया जाए, इस प्यारे से रिश्ते को, इसके लिए उपाय भी आपको आगे दिए जाएंगे। लेकिन आचार्य जी, क्या वजह हो जाती है कि एक ही छत के नीचे एक ही कमरे में रहने के बावजूद एक दूसरे की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करते हैं, व्यवहार भी एक तरह से जिम्मेदार बन जाता है और क्यों आपसी रंजिशें इतनी बढ़ जाती हैं कि बहुत मुसीबतें बन जाती हैं? बिल्कुल, देखिए व्यवहारिक कारण पर अब हम प्रकाश डालते हैं। व्यवहार में आपके किस किस तरह के बदलाव आएं तो आप सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए, क्योंकि यह व्यवहारिक बदलाव तलाक की तरफ आपको आगे बढ़ा सकता है। बाहरी लोगों का हस्तक्षेप जब होता है तो सबसे पहला सिम्टम होता है कि आपके स्वभाव में, आपके नेचर में बदलाव आने लगता है। बाहरी लोगों के हस्तक्षेप के कारण ऐसा होता है। कुंडली में 6ठा भाव हमारे दांपत्य जीवन का 6 भाव होता है।
सप्तमेश का खष्टस्थ होना इसमें बहुत बड़ा योगदान निभाता है। चतुर्थ भाव में बुध और शुक्र की उपस्थिति है तो समझ जाइए कि बाहरी लोगों का जबरदस्त हस्तक्षेप चलता रहेगा। चतुर्थ भाव में बुध शुक्र, चौंकेंगे आप कि सौम्य ग्रहों के द्वारा भी क्या तलाक की संभावनाएं हैं, ये तो सिर्फ एक कारण बना रहे हैं, तलाक कोई और कराता है। चतुर्थस्थ बुध शुक्र हो, मंगल फोर्थ हाउस में होगा तो यह भी खतरनाक स्थिति पैदा करता है। ऐसी स्थिति में पत्नी हावी होना चाहती है या पति हावी होना चाहता है। जिसकी कुंडली में चौथे घर में मंगल होगा उसका दाम्पत्य जीवन का जो साथी है, स्त्री हो या पुरुष, हावी होना चाहेगा। एन केन प्रकार आपकी छोटी सी बात उसके लिए नागवार गुजरेगी। मंगल अष्टमस्थ हो, याद रहे कि ये दोनों स्थितियां चौथे का मंगल आठवें का मंगल ये मांगलिक योग भी बनाता है। मंगलवार को अगर हमेशा आपके घर में पति पत्नी के मध्य बहस हो रहा है, किसी बात को लेकर के तू तू मैं हो रहा है, तो यह भी एक संकेत है कि तलाक की तरफ आपकी गाड़ी बढ़ चुकी है। समय रहते नहीं संभलेंगे तो अंतिम विकल्प तलाक ही होगा। जरूरत से ज्यादा अगर कोई बच्चे पर चिल्लाने लग जाए और ये बदस्तूर जारी रहे, लगातार होता रहे, भाई गोचरीय चंद्रमा का परिवर्तन, एक दो दिन आपने चीखा चिल्लाया, दो चार महीने नहीं बोल रहे, लेकिन अगर डेली आपके घर में बच्चों को लेकर के मारामारी की स्थिति आ रही है तो तलाक तय है, यहां पर कंफर्म कर रहा हूं। किसी की कुंडली में यदि बुध और शुक्र दो ग्रह पीड़ित अवस्था में है, मसलन नीच राशि में है, राहु के साथ हैं, अष्टमेश के साथ हैं, सप्तमेश के साथ छठे में बैठ जाएं, बुध शुक्र की पीड़ा यह पूरी तरह से आपको तलाक की तरफ ले जाएगी और बाहरी लोगों का हस्तक्षेप ऐसे में आपके दाम्पत्य जीवन में बढ़ जाएगा। शनि राहु के साथ सातवें में हो, थोड़ा सा लाइन आगे चल रहा है, आप एक एक चीज समझते जाइएगा। शनि राहु के साथ सातवें में रहता है तो ऐसी स्थिति में भी बाहरी लोगों का हस्तक्षेप आपके परिवार में बहुत ज्यादा होता है और आपको अपने पति या पत्नी पर कम भरोसा होता है, दूसरे पर ज्यादा भरोसा होने लगता है। और अंतिम है सप्तमें घर का स्वामी सप्तमेश, यदि ट्वेल्थ हाउस में बैठ जाता है तो यह भी स्थिति ये तलाक करा ही देता है, ये तलाक का ही एक बहुत बड़ा योग है। आगे हम आपको हस्तरेखाओं से भी तीन पहचान कराएंगे कि आपके जीवन में तलाक होगा या नहीं। जी हाँ, तो हस्तरेखा के आधार पर भी बताएंगे आपको आगे, पर उससे पहले हम बात करेंगे आज के हमारे लकी कॉलर से, तो लगाते हैं इन्हें अब कॉल और करते हैं इनसे बात। लकी कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी स्वागत है आपका शो में, सबसे पहले अपना नाम और स्थान बताएं आप। नरेंद्र नाई सेंधवा, जिला बड़वानी एमपी। आपने अपना नाम नरेंद्र बताया? जी हाँ, नरेंद्र नाई। जी कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं सेंधवा से बात कर रहा हूँ। आपको बधाई, आपको सादर नमन टीवी के प्रसारण के लिए, आचार्य जी को भी मेरा कोटि कोटि नमन। आभार भैया, बहुत आशीर्वाद। बिल्कुल नरेंद्र जी, बधाई आपको, आज के लकी कॉलर बने हैं आप। अरे बहुत खुशी हो रही मेरे को कि लकी कॉलर बन गए हैं। जी बिल्कुल बन गए। बताएं नरेंद्र जी, आप किन के बारे में जानना चाहते हैं? मैं अपने बारे में थोड़ा जानना चाहता हूँ, मेरे तीन क्वेश्चन हैं। जी जन्म का सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ बताएं आप। 5 जुलाई 1960। साठ जी। समय? समय दोपहर 12:30 बजे, 12:30 पीएम। जी और प्लेस? प्लेस खरगोन जिला एमपी। खरगोन जी। क्या सवाल है आपका? अभी मैं सर्विस में हूँ तो मेरा मतलब सर्विस में मतलब आगे का भविष्य क्या है जी? और अभी शासकीय आवास में रहता हूँ तो निजी मकान का मुझे सुख सुख है कि नहीं है, और इस वर्ष बच्ची का कन्यादान करना चाहता हूँ तो वो भी योग है कि नहीं? अरे बिल्कुल जी, देखिए सारे योग जितने आपने प्रश्न किए हैं सब आपको मिल रहा है, प्रमोशन भी हो रहा है, अपना मकान भी है, अपने मकान का योग लेकिन विलंब से था क्योंकि साथ में आपके चौथे घर में शनि और बृहस्पति हैं, जहां बृहस्पति अपने घर का है लेकिन शनि यहां पर थोड़ा सा पीड़ित अवस्था में शत्रु राशि में है, इसका दोष आपको लग रहा है। दो चीजों का ध्यान रखिएगा, कभी भी मांस भक्षण की तरफ विचार न करिएगा, शुक्रवार का व्रत आप या आपकी पत्नी कर ले तो समस्त क्रियाएं जो आप करना चाहते हैं कन्यादान से लेकर के मकान निर्माण तक, विलंब उसमें जो हो रहा है वो दूर हो जाएगा। तो शुक्रवार का व्रत, क्योंकि 2027 तक शुक्र की महादशा है, यह आपके लिए अच्छी है। बहुत शुभकामनाएं नरेंद्र जी, आप जीवन में खूब आगे बढ़े, उन्नति करें। बिल्कुल,
तो चलिए अब हम आप सबको बताते हैं कल के दिन का बेहद ही अशुभ समय, जिसमें आपको किसी भी अच्छे नए काम की शुरुआत बिल्कुल नहीं करनी है। नोट कीजिए राहु काल। चलिए राहु काल का समय नोट कर लीजिएगा। कल राहु काल का समय रहेगा शाम को 4:30 से लेकर के 6 बजे तक। इसमें आपको कोई भी शुभ काम, नया काम शुरू नहीं करना है, अन्यथा काम बिगड़ सकते हैं। जी हाँ, और नए काम की शुरुआत करनी है तो कर डालिएगा। गुलिक काल में बहुत ही अच्छा शुभ समय होता है, नोट कीजिए कल के दिन का गुलिक काल। दोपहर 3 बजे से लेकर के 4:30 के समय होता है गुलिक काल का। इसमें आप जो चाहें कर सकते हैं, प्रत्येक कार्यों का संपादन बहुत ही आसानी से। जी हाँ, और आगे हम आपको बताएंगे कि अगर आप जल्दबाजी में काम करते हैं और काम जब करते हैं तो फिर नुकसान ही उठाते हैं, तो ऐसे में किचन पिटारा आपकी मदद करेगा। लेकिन उससे पहले आप जान लीजिए अपना आज के दिन का हाल, यानी कि राशिफल। शुरुआत पहली 6 राशियों से, यानी कि मेष से लेकर के कन्या तक का राशिफल। मन में उत्साहित आज रहेंगे आप, मन से धन का आगमन भी रहेगा। लाल रंग की शुभता रहेगी, 82% का भाग्य आपके साथ रहेगा। वृषभ राशि, सेहत में सुधार होगा, कार्य समय पर करें, पीला रंग शुभ है, 60% का भाग्य आपके साथ। मिथुन, झूठ का सहारा बिल्कुल भी न लीजिए, पूंजी निवेश न करें, गृह रंग की शुभता है, 69% का भाग्य। जीवन साथी का योग आज बन रहा है कर्क राशि वालों के लिए, बुजुर्गों का सम्मान करें, सफेद रंग आपके लिए पॉजिटिव एनर्जी देगा और 77% का भाग्य आपके साथ रहेगा। सिंह, वाहन की प्राप्ति के संकेत आज हैं, शेयर मार्केट से लाभ, हरा रंग शुभ है, 59% का भाग्य। कन्या राशि, अनावश्यक खर्च आपका बढ़ेगा, कला में रुचि जगेगी, सफेद रंग शुभ है, 74% का भाग्य आपके साथ है। बिल्कुल, और आचार्य जी अब आपसे जानना चाहेंगे कि कैसे समझा जाए हस्त रेखाओं के आधार पर कि दाम्पत्य जीवन में जो है मतभेद होगा ही होगा, लड़ाई झगड़े होंगे ही होंगे और तलाक तक भी हो सकता है, हस्तरेखाएं कैसे बता सकते हैं? बिल्कुल, देखिए हस्तरेखाओं के माध्यम से अगर आप जाने तो सबसे पहले विवाह रेखा की तरफ आया करिए, जो कनिष्ठिका के ठीक नीचे और हृदय रेखा के ठीक ऊपर है। यहाँ पर विवाह रेखा यदि दो शाखाओं में बढ़ जाए, विवाह रेखा में दो शाखाओं का निकलना आपके दाम्पत्य जीवन में तलाक की तरफ कन्फर्म स्टैम्प है, मतलब होना ही होना है, अटल सत्य। विवाह रेखा यदि नीचे की तरफ बढ़ करके हृदय रेखा को, हर्ट लाइन को पूरी तरह से टच कर ले स्पष्टतः, तो यह भी संकेत देता है। जीवन रेखा और शीर्ष रेखा, यहां पर जो रेखा है, इन दोनों में गैप बहुत ज्यादा हो, मतलब कनिष्ठिका अंगुली से ज्यादा का गैप, जितना ज्यादा गैप तलाक की संभावना उतनी ज्यादा क्रिस्टल क्लियर। हृदय रेखा अगर बहुत ज्यादा श्रृंखलाकार है, चेन युक्त है, बिल्कुल जंजीर की तरह बना है, बहुत स्ट्रेट नहीं है, जैसे हमारी देख रहे हैं ऐसी ना हो, बहुत ज्यादा इसमें खूब सारी शाखाएं ब्रांचेज, ऐसे जितना ज्यादा श्रृंखलाकार होगी हृदय रेखा, उतना ज्यादा लड़का या लड़की का अपने मन पर नियंत्रण नहीं रहेगा। ऐसे लोग बेहद फ्लर्टी नेचर के होते हैं, किसी पर भी इनका दिल आ जाता है, 4 बच्चे भी हो जाते हैं उसके बाद भी मन पर अपना अंकुश नियंत्रण नहीं रहता है, जिस कारण दाम्पत्य जीवन में कुछ न कुछ दोष पैदा होता है और एक स्टेज ऐसा आता है कि जहां पर अलगाव ही एक अंतिम विकल्प के रूप में सामने आ जाता है। किसी का भी हस्तक्षेप वो बाकी बर्दाश्त नहीं करते हैं, नेचर गंदा होता है। बिल्कुल, और फिलहाल आगे बताएंगे अलगाव ना हो इसके लिए उपाय, लेकिन कल सुबह 8 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आने वाले हैं, देखिए इसकी एक झलक। हम लौटते हैं ब्रेक के बाद।